your Diksha Bhavalkar ma'am, and today I'm here with a study tip for you. 10 tips to overcome sleep while studying. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ है जो सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है. मैं जब छोटी थी मुझे भी होती थी कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लग जाती है और फिर पढ़ाई के सारे प्लान छू मंतर. तो मैम सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, आज ये कंप्लीट करेंगे, वो चैप्टर करेंगे, ऐसा चैप्टर करेंगे, वैसा करेंगे और दो दिन में सिलेबस ख़त्म. बट मैम पढ़ने बैठा तो नींद आने लग जा रही है, फिर सो गए और हो गया दिन ख़त्म. दिन ख़त्म, प्लानिंग ख़त्म, कुछ पढ़ाई नहीं हुई और फिर एग्ज़ाम के पहले टेंशन. मैम क्या करें, प्लीज़ टेल मी हाउ टू ओवरकम स्लीप व्हाइल स्टडिंग. तो आज ये वीडियो देखने के बाद श्योरली आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो पहली टिप फॉर यू, कीप योर रूम वेल लिट. गाइस सबसे पहली चीज़, अंधेरे में पढ़ना बंद करो यार. अंधेरे में नहीं पढ़ना है, कम लाइट में नहीं पढ़ना है. थोड़ा अच्छा से रूम को वेल लिट करो. पूरे रूम की लाइट नहीं जलानी है तो एटलीस्ट आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, जिस टेबल पे पढ़ रहे हो, वहाँ पर लाइट अच्छी खासी होनी चाहिए. कम लाइट में पढ़ोगे आपकी आंखों पर प्रेशर पड़ेगा, आंखों पर प्रेशर पड़ेगा तो आंख सोचेंगे मुझे बंद होना है, मुझे सोना है. तो अगर आप अपने रूम को वेल लिट रखते हो तो आपकी आंखें आपको परेशान नहीं करेंगी. सेकेंड टिप, हैव अ डेडिकेटेड स्टडी कॉर्नर स्पेशली नॉट बेड. गाइस जितने भी बच्चे बेड पर बैठ के पढ़ते हैं बिल्कुल उसको बंद कर दो. मैं भी ये काम कर चुकी हूँ, मैं भी ये चीज़ करती थी तो मुझे पता है. बेड पर बैठते ही धीरे धीरे आपका पोजीशन हो जाता है लेटने वाला एंड स्लोली स्लोली यू ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप. बेड पे बैठोगे इतना कंफर्ट लगेगा कि आपको लगेगा कि सो जाते हैं थोड़ी देर फिर पढ़ेंगे. इसीलिए बेड पर पढ़ना एकदम से बंद. ऑब्वियसली ऑलवेज हैव अ टेबल एंड अ चेयर टू सिट एंड स्टडी. उससे क्या होता है आपका एक पोस्चर मेंटेन रहता है ना. आपको पता है कि मैं इस पोस्चर में हूँ तो मुझे पढ़ना है. जब आपको रेस्ट लेना हो तब आप जाके बेड पर सो जाओ. उससे क्या होगा ना, आपका दिमाग हमेशा ट्रेन रहेगा कि चेयर पर है मतलब पढ़ना है और बेड पर है मतलब सोना है, राइट. तो इससे आपका दिमाग ट्रेन रहेगा एंड यू विल नॉट ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप व्हेन यू आर स्टडिंग. थर्ड टिप, ईट लाइट मील्स. गाइज भर भर के खाना नहीं खाना है पढ़ने से पहले, हल्की हल्की चीज़ें खानी है, हल्का हल्का मील खाना है. इससे क्या होगा ना, आपको पता है कि ये सबके साथ होता है कि जब भी आप हैवी मील खाओगे आपका बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्टन में चला जाएगा. आपके सारा ऑक्सीजन आपका आपके पेट में चला जाएगा, डाइजेशन की तरफ चला जाएगा, माइंड जल्दी से काम नहीं करेगा, राइट. आपको नींद आएगी. ऑलवेज इट हैपेंस लंच करने के बाद सबको थोड़ी थोड़ी देर नींद आती है. इसीलिए जितना हो सके हल्का मील खाओ. ज़्यादा खा सकते हो आप, मतलब जितनी बारी खा सकते हो, लेकिन आप एक बार में ज़्यादा खाना मत खाओ. ज़्यादा खाना खाओगे तो नींद आएगी. ऑल्सो एक चीज़, ज़्यादा चावल मत खाओ, ठीक है. अगर लंच के टाइम पर आप ज़्यादा चावल खाओगे आपको डेफिनेटली नींद आएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लाइट लंच. हैव जितना हो सके लाइट लंच करो. उससे क्या होगा, आपका दिन का टाइम बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. एब्सोल्युटली बी हाइड्रेटेड. जितना हो सके पानी पीते रहो. पानी पीने से क्या होता है, आपका अगर थोड़ा सा नींद जैसा लग रहा है, पानी पिया आपने, थोड़ा सा ब्रेक मिला, पानी पिया, एकदम सही हो गए, फिर पढ़ने बैठ गए, राइट. अब आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, इसीलिए आपका दिमाग जितना हाइड्रेटेड होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा. तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. क्या खाली पानी नहीं, आप जूसेस भी ले सकते हो, आप कोकोनट वाटर ले सकते हो. तो जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है. नेक्स्ट टिप, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. अब सोने की जो प्रॉब्लम है ना, सोने की जो प्रॉब्लम है कि मैम पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, वो नहीं होगी अगर आप अपना एक टाइमली रूटीन बनाते हो कि आपको कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है और अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज करना है. ये रात रात को पढ़ने वाला सिस्टम बंद करो. उससे क्या होता है, आपका पूरा रूटीन बिगड़ जाता है. आप लेट सोगे, फिर आप लेट उठोगे, फिर आपको दोपहर में फिर नींद आएगी, फिर आपका रात का साइकिल बिगड़ जाएगा. इससे बेटर है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. गेट अप एट 5:30, गेट अप एट 6, स्टार्ट स्टडिंग एंड वाइंड ऑफ एवरीथिंग बाई 10 PM. 10 PM सब कुछ वाइंड ऑफ किया, एक घंटा मस्ती किया, टीवी देखा, फ़ोन में कुछ किया, अपना रेस्ट किया और उसके बाद सो जाओ, राइट. सोने के एक घंटे पहले तक पढ़ना बंद कर सकते हो आप. इससे क्या होगा, आपका बॉडी ट्रेंड हो जाएगा कि अच्छा मैं जल्दी उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे टाइम मिलता है रात को, मैं रेस्ट करता हूँ, फिर सो जाता हूँ. इससे आपका बॉडी एक साइकिल में आ जाएगा. यू विल नॉट फील स्लीपी व्हाइल स्टडिंग. नेक्स्ट स्टेप, टेक अ नैप इन द आफ्टरनून. मैम आफ्टरनून में तो एकदम ही रुका नहीं जाता है, बहुत नींद आती है. तो बिल्कुल बिल्कुल आप आफ्टरनून में लंच करके 15 से 20 मिनट नहीं तो आधी घंटा का एक नैप ले सकते हो, जिसको कहते हैं हम
पावर नैप। पावर नैप अगर आप लेते हो तो उससे क्या आपकी बॉडी में थोड़ी सी भी कहीं नींद होगी तो वो निकल जाएगी। लेकिन पावर नैप को 2 घंटे का नैप नहीं बनाना है, 2 घंटे वेस्ट नहीं कर सकते उसमें। हल्का से एक पावर नैप लो 30 मिनट्स तक का, उससे आपका बॉडी रिफ्रेश हो जाएगा एंड बैक टू स्टडी यू विल कम। नेक्स्ट है रीड आउट लाउड वाइल स्टडिंग। जैसे अभी देखो, अभी अगर मैं खाली आपको यहाँ पर लिख के बताओ तो क्या आपके माइंड में उतना इफेक्ट करेगा? नहीं, मैं बोल भी रही हूँ ना साथ में। तो जब भी आप पढ़ते हो आपके सामने बुक है, आप अगर मन में पढ़ रहे हो ना, उससे बेटर है कि रीड इट आउट अलाउड। इससे क्या होता है, आपका माइंड ना बहुत अलर्ट हो जाता है। जब हमसे कोई बात करता है तो हम अलर्टली सुनते हैं ना उसकी बात, वैसे ही अगर आप पढ़ते पढ़ते ज़ोर से बोलोगे तो आपका दिमाग आपको सुनेगा और उसको याद रखेगा, क्योंकि वो अलर्ट रहता है, राइट। अब आपका दिमाग अगर अलर्ट है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप लर्न बाय राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ते पढ़ते खाली याद कर रहे हो खाली लर्न बाय हार्ट कर रहे हो, गाइस थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाओगे और आपका मन नहीं करेगा और पढ़ने का, कितना याद करोगे। इससे अच्छा है कि आप लर्न करके लिखो। अभी क्या हो रहा है, जब आप लिख रहे हो आपका कॉन्सेंट्रेशन लिखने पे है, आपकी हैंडराइटिंग भी प्रैक्टिस हो रही है, आपको स्कूल में एग्जाम में लिखना कैसे वो भी प्रैक्टिस हो रहा है, इज़न्ट इट। तो वैसे ही क्या होगा कि जब आप लर्न कर रहे हो लिखते लिखते आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका ध्यान लिखने पे है, तो आपकी नींद भी नहीं आ रही है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है। नेक्स्ट है अवॉइड स्टडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स एट नाइट। ये बहुत गलत काम करते हैं बच्चे कि सुबह सुबह उठा मस्ती के मूड में ईजी टॉपिक पहले करेंगे तो लगेगा मुझे सब आता है, फिर रात को याद आएगा कि अरे डिफ़िकल्ट वाली तो रह गई, अब तो मुझे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अभी वो पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, वो उसको बैठ के पढ़े जा रहे हो ही नहीं रहे, जिसके वजह से उनका रात का स्लीप साइकिल बिगड़ गया, उनका टाइमिंग खराब हो गया। वो चीज़ नहीं करनी है, हमेशा डिफ़िकल्ट टॉपिक सुबह करना है। जब भी आप नींद से उठते हो ना, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है और बहुत अच्छा ग्रैप कर सकते हो आप। तो सुबह सुबह जब भी आप पढ़ने बैठोगे, आप डिफ़िकल्ट टॉपिक लेकर बैठोगे। जब आपको ब्रेक लेने का मन हो तो कुछ भी मैथ्स लेकर बैठ जाओ, कुछ भी प्रैक्टिकल लेकर बैठ जाओ, जो प्रैक्टिस करना हो, लर्न नहीं करना हो। और रात को जब आप वाइंड अप कर रहे हो उस समय भी इजी टॉपिक से वाइंड अप करो, ताकि आपका दिमाग अच्छे से सोने पे जा सके। रात को अपने को डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट है अनअकैडमी आस्क अ डाउट। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हो कि अनअकैडमी पे हम लोग ये बिलीव करते हैं कि कभी भी डाउट्स हो पूछो, डाउट्स अपने मन में नहीं रखने हैं, देर आर नो सिली डाउट्स, ऑलवेज यू कैन आस्क अ डाउट। जितना क्वेश्चन पूछोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपका दिमाग आपके क्वेश्चन पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा, नींद पे नहीं जाएगा। बोर क्यों होना है यार, यूज अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर। ये हमने हमारी लर्नर्स के लिए लाया है 24/7, कभी भी दिन में रात में आप कभी भी हमसे डाउट पूछ सकते हो। एंड क्या आपको पता है कि अनअकैडमी पर अगर आप 10 डाउट्स पूछते हो तो आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से फ्री 15 डेज का सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन 15 डेज का फ्री मिलता है आपको। बट ये खाली लिमिटेड टाइम तक के लिए, ओनली वैलिड टिल 10th March 2021। अच्छा, तो पर्सनल ट्यूटर आपको आपका मिल सकता है अनअकैडमी पर, आपको मिलता है अनलिमिटेड डाउट आस्किंग फ्री। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दो ही पूछ सकते हो, जितना पूछना है पूछो यार, हमें हमेशा लगता है कि कोई सिली डाउट्स नहीं होता है। एनी टाइम, दिन में रात में जब पढ़ने बैठ लो तब पूछो। एंड यू नो वॉट यू विल गेट फ्रॉम अस, यू विल गेट हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, एंड ऑल्सो यू विल रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चंस बाय एक्सपर्ट्स। तो अगर आपको चाहिए इंस्टेंट और एक्यूरेट सॉल्यूशन टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस, आज ही जाके अनअकैडमी पर आस्क अ डाउट फीचर यूज करो। अगर आपको होमवर्क में भी कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना है, बिल्कुल हम हैं आपके लिए। मैम कैसे पूछना है आस्क अ डाउट, जल्दी से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, जल्दी से डाउनलोड कर लो, क्लिक करोगे आस्क अ डाउट पे, पिक्चर अपलोड करोगे, क्रॉप करोगे एक क्वेश्चन, एंड उसके बाद आप आंसर सब्जेक्ट का नाम लिखोगे, आपका काम हो गया। बस 5 मिनट इंतजार कर लो, उसके अंदर अंदर आपको मिल जाएगा आपका वीडियो सॉल्यूशन, राइट। सो जल्दी जल्दी यार आज ही जाके अनलॉक कर लो ये फीचर, मेरा कोड यूज कर लो, उससे आपको फ्री में मिल जाएगा ये DB Live 10। आस्क द डाउट नाउ एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई होप कि इस आज के वीडियो के देखने के बाद आपको अब नींद नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे मैं और वीडियो टिप्स लाते रहूंगी, ऐसे मैं और वीडियोस लाते रहूंगी, कैसे सोना नहीं है वो मैंने आपको बताया, और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ओनली ऑन आर अनअकैडमी चैंपियंस चैनल। सो फाइनल टिप आपके लिए आ चुका है अब, विच इज फॉलो अ टाइम टेबल। गाइज फॉलो अ टाइम टेबल, अपने मन से पढ़ना छोड़ो कि जब मन होगा पढ़ेंगे,
वैसी पढ़ाई से क्या होगा, जब मन में आएगा तब कुछ बनोगे। नहीं, अगर आपको एक्चुअली कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, यू हैव टू फॉलो अ टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बना लो, जैसे आपके पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, कितने दिन बचे हैं और कितने टॉपिक्स बचे हैं, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ आवर्स में। इसका भी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगी वेयर इन यू विल नो हाउ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो हमेशा एक टाइम टेबल फॉलो करोगे जिसमें खाने का, सोने का, पढ़ने का, लर्न करने का, लिखने का, सारी चीज़ें नोटेड रहेंगी। आपको पता है आपको क्या करना है, क्योंकि सोचने में कितनी बार टाइम चला जाता है, राइट? सो ऑलवेज फॉलो अ टाइम टेबल। सो दीज वर माई टिप्स फॉर अवॉइडिंग स्लीपिंग वाइल स्टडिंग। आई विल ब्रिंग मोर सच वीडियोज, एंड टू नो सच फॉर मोर सच वीडियोज, मेक श्योर यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सो सब्सक्राइब कर लो आज ही अनअकैडमी चैंपियंस। All the best and see you later. This is your Diksha Ma'am.